गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। अभी बजे हैं 5:20, ऐसा कुछ हुआ है। नहा धो करके आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने किया है मेरे पीने के लिए गर्म पानी, और इसी के साथ जो रात को मैंने दूध गर्म करके रखा था वो रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर मैं चाय की तैयारी करके रख दूँगी। जब पतिदेव उठेंगे तो मैं चाय को लाइटर लगा दूँगी, गैस जला दूँगी। तब तक हम बनाएंगे आज राबोड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने राबोड़ी भिगो दी है पानी के अंदर। कभी कभी मतलब मैं उबाल के भी बनाती हूँ, पर कभी खाली भिगो के बनाती हूँ। तो आज मैंने गुनगुने पानी में राबोड़ी भिगो दी है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, जीरा, हींग और कटे हुए प्याज, कुटा हुआ लहसुन, और बस मसाला डालूंगी, नमक, मिर्ची, हल्दी, धना, ये बेसिक मसाले। और मैं बनाऊंगी राबड़ी की सब्ज़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, पतिदेव की फेवरेट है, और सानू को भी पसंद है। हर्षु नहीं खाता है, हर्षु को बड़ी राबड़ी, पापड़, गट्टे, बड़ी वाली सेवें, ये सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर हम लोगों को बहुत पसंद है। और आप लोग बताइएगा क्या आप लोगों को भी बड़ी राबड़ी की सब्ज़ी पसंद है क्या। और यहाँ पर मेरी राबड़ी बहुत अच्छे से भीग गई है, और यहाँ पर मेरा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी राबोड़ी और उसको थोड़ा सा पका लूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जी मेरी हो गई है तैयार, और यहाँ चाय तो भी तैयार। चलिए जी, मैंने सब तैयारी कर दी है। अब मैं फटाफट जाके आऊँगी मंदिर, और मंदिर से वापस आने के बाद पियेंगे चाय और फिर चलेंगे वॉक पे। चलिए जी, मंदिर जाके आ गई हूँ और बस चाय पियेंगे। चाय बन गई थी तो मैंने वापस ढक दी थी। अभी चाय पी के हम लोग आ गए हैं घूमी घूमी करने, और ये नज़ारा देख के याद आता है, क्या नज़ारा है। चलिए जी, घर पे आ गए हैं, और अभी सबसे पहले खाली करेंगे ये कढ़ाई जो हमने सुबह राबोड़ी की सब्जी बनाई थी, और फिर बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते में मैं बनाऊंगी नमकीन सेवैयां। तो बस फटाफट नाश्ता बना लेते हैं, और आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यम्मी यम्मी डिनर। तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा ब्लॉग मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं काम। और मैंने बनाई है ये वाली नमकीन सेवैयाँ। नमकीन सेवैयों का नाश्ता मेरा फेवरेट है। घर में सब लोगों को इतना कोई पसंद नहीं है, ठीक है खा लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, इन्जॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो ये नाश्ता वास्ता हो गया है, बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और बस अभी रोटी बनाएंगे। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक तो मलाई मोगर की रेसिपी शेयर करो, और एक जो मैंने वो मेरी सिस्टर आई थी डिनर पे तो मैंने बनाई थी वो क्या बोलते शाही टुकड़ा, झटपट वाला, इंस्टेंट वाला, वो शाही टुकड़ा 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ब्रेड लाई और मुझे याद रहा तो मैं पक्का शेयर करूँगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी मलाई मोगर की सब्जी बनाई तो आपके साथ शेयर करूँगी पक्का। और ये मेरे पति मुझे बहुत छेड़ता है, मजाक उड़ाता है मेरा, मैं जो बोलती हूँ वो सबको पसंद आता है, मेरा बोलने का तरीका पता है आपको, आप ही मेरा मजाक उड़ाते हो बस। चलिए जी, रोटी वोटी बना ली है और हो गई है किचन की सफाई। अच्छा, ये कमेंट हो रहा था मेरे को, जैसे जैसे कमेंट से याद आता ना वैसे वैसे मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ कि एक कमेंट आया था कि जीजा प्लीज़ आप बुरा मत मानना कि आपके ऊपर ना टी शर्ट से ज़्यादा कुर्तीज़ अच्छी लगती है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि सॉरी या बुरा मत मानना, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से कोई भी बात बोलते हो ना, बहुत ही अच्छे, पोलाइट और प्यार से बोलते हो, तो मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगता। आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसे आपने बोला कि आपकी टी शर्ट कम अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती, कुर्तीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो तरीका बहुत अच्छा हो। और एक इसी की जगह कोई नेगेटिव इंसान वो बोलता ये क्या पहन के खड़ी हो जाती है, तेरे ऊपर टी शर्ट अच्छी नहीं लगती, तो क्यों है ये,
मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि मैंने ब्लॉग्स में, लोगों के ब्लॉग्स में ऐसे कमेंट भी पढ़े हैं। तो हर बात कहने के दो तरीके होते हैं। आपने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पोलाइट है, तो मुझे बुरा नहीं लगा। और आपने जो तारीफ़ की कि आपकी कुर्ती बहुत अच्छी लगती है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे साथ तो वैसे भी बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे कमेंट करते हो, तो मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानती। बात अगर कोई इसी बात को बहुत गंदे तरीके से कहता ना, तो शायद मुझे बुरा भी लगता। और वैसे भी मैंने ये जो चैनल शुरू करने के बाद, जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, तब मेरे पतिदेव ने मुझे पहले ही बोला था कि तू तैयार रहना कि हर तरह के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं लोगों के कमेंट्स दूसरों के ब्लॉग के नीचे, तो मुझे मालूम है। लेकिन अब तक जो मुझे मिले वो बहुत ही प्यारे लोग मिले हैं, बहुत 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 प्यारे लोग मिले हैं जो बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, मतलब वो जो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल होती है। और जैसे कि शायद मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं ब्लॉग जब अपलोड करती हूँ ना, उसके बाद मैं नज़र रखती हूँ कि कितने व्यूज़ आए, क्योंकि आपको मालूम मेरा चैनल जो है बहुत छोटू सा चैनल है। तो अभी मेरे पास ना इतना रहता है कि मैं देखूँ कि व्यूज़ आए कि नहीं आए, लाइक आए कि नहीं आए, कमेंट्स आए क्या आए। हाँ, रिप्लाई थोड़ा सा देर में करती हूँ, क्योंकि फिर साथ के साथ मैं दूसरे काम भी शुरू कर देती हूँ। लेकिन बस आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। तो चलिए काम ख़त्म कर लेते हैं। किचन मैंने क्लीन कर दिया है, अब करेंगे बाहर की साफ सफाई। और डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ फुटबॉल की तरह लुढ़कते लुढ़कते झाड़ू निकालने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं बैठ के झाड़ू निकालने की कोशिश करती हूँ। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप बैठ के झाड़ू निकालते हो तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो बस कुछ झाड़ू मैं बैठ के निकालती हूँ, और कहीं कहीं देखते ना छोटा सा जगह है जहाँ मैं बैठूँगी तो झाड़ू अड़ेगी, तो वहाँ मैं खड़े खड़े झाड़ू निकालती हूँ। तो जी, झाड़ू वाड़ू निकाल लिए है, अभी पतिदेव कर रहे हैं पूजा, फिर उनको दूंगी कैरी पन्ना, और उसके बाद फिर मैं पोछे वोछे लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी। कैरी पन्ना बहुत टेस्टी लगता पीने में, गर्मी में ना मज़ा आ जाता है। अब एक बोतल और पड़ी है, ये ख़त्म हो गई, बस इतना सा रहा है इसमें। अब इसको धो दूंगी। लगा रही हूँ पोचे, और आप देखोगे कि ये शूज़ पहन के मैं पोचे लगा रही हूँ। ये हम लोग ना जयपुर गए थे एक बार, तब वहाँ पे सेल थी, तो सेल के अंदर से मैंने एक ये लिए थे। अब हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो फिर मैं इसको ना ट्राई कर रही हूँ घर में पहनने के लिए, कि अगर घर में पहनूंगी और कहीं लग नहीं जाए, पीछे की साइड होता ना एडी के पास में कुछ लग जाए वो चुभ जाता है, छाला वाला हो जाता है, तो मैं एक दो दिन घर में पहन के घूमूंगी। अगर ये कुछ भी दिक्कत नहीं करे तो मैं इनको भी लेके जाऊंगी, क्योंकि हम जहाँ जाने वाले ना वहाँ बहुत गर्मी और धूप है, तो पैर भी टैनिंग हो जाएंगे। तो जितना हो सके पैरों को भी मैं कवर रखूंगी, और सलवार सूट पहनेंगे तो हाथ भी कवर रहेंगे, दुपट्टा उपट्टा सब। तो बस इसीलिए मैं घर में पहन रही हूँ इनको। वैसे पहने में अच्छे लग रहे हैं, मैंने एक बार भी नहीं पहना इसको, लाए हुए शायद साल भर से ऊपर हो गया, पर अभी मैं पहन के देख रही हूँ। अब बस पोछे लगाऊंगी और मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी। तो जी, अभी है दोपहर का टाइम, काम ख़त्म कर दिया मैंने, ब्लॉग अपलोड कर दिया, और अभी मुझे लग गई है भूख। पता नहीं काम करते हैं जो इतनी भूख लगती है ना, टाइम टू टाइम खाना चाहिए। दो रोटी ले ली है, और फिर वही जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हमेशा खाना खाती हूँ बिल्कुल देसी तरीके से, तो ये जो सब्जी है ये डाल दूँगी इसके ऊपर, और मैं लूँगी एक गिलास छाछ, और मैं करूँगी लंच, और आपसे मिलूँगी सीधा शाम को। तो जी, अभी बजे हैं दोपहर के 4, और मैंने यहाँ पर चावल उबालने के लिए रख दिए हैं, और इसमें डाला है नमक। मैं चावल अभी इसलिए उबाल रही हूँ क्योंकि जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ उसमें मुझे ठंडे चावल चाहिए, गर्म चावल नहीं होने चाहिए, तो चावल को हम अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे लिए लेमन टी, क्योंकि मेरा जो सर्दी जुकाम है ना वो जा ही नहीं रहा है, इतना जुकाम की वजह से, पता मुझे सिर्फ इसलिए मालूम चल रहा है मेरे को जुकाम लगा, तब मेरा सर दर्द होता है बस, कोई नाक में से पानी आना, कुछ ज़्यादा छींके आनी, दिन में एक आध कोई छींक आती है, लेकिन जुखाम की वजह से मेरा सर दर्द होता रहता है। तो आज पतिदेव ने बोला कि तू वो काली चाय बना के पी, लेमन टी बना के पी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक कस के डाली है, 4 या 8 दाने, ये क्या बोलते हैं इसको यार, चाय पत्ती और 1 चम्मच चीनी। अब बस मैं इसको उबाल लूँगी। मुझे लगता है इसमें मुझे 1 पत्ता तुलसा जी का डालना चाहिए था, पर मेरे पास यहाँ तुलसा जी है नहीं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चावल भी लगभग उबल गए हैं, बस थोड़ा सा पानी है,
वो सूख जाएगा ना तो फिर मैं गैस बंद कर दूंगी और इन चावल को एकदम ठंडा कर लूंगी। ये रेसिपी बिल्कुल ठंडे चावल से बनेगी और अगर आपके पास रात के बचे हुए चावल है तो आप उनको भी काम में ले सकते हैं। यहाँ पर मेरी लेमन टी हो गई है तैयार, इसके साथ मैंने मग्गे में डाला है थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक। और ये जो चाय है बहुत टेस्टी बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है आपको सर्दी जुकाम हो तभी पियो, आप वैसे भी बना के पी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं इंजॉय करती हूँ मेरी लेमन टी और फिर बनाएंगे हम एक यम्मी यम्मी डिनर। तो जी, चावल यहाँ पर उबल गए थे और मैंने इसे निकाल दिए हैं बड़े बर्तन में और हमारे चावल हैं ठंडे भी हो गए हैं और उबालते वक्त मैंने नमक डाल दिया था जितना हमें इसके अंदर चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अच्छा मैं आपको रेसिपी का नाम बता देती हूँ, अब तक मैंने शायद आपको रेसिपी का नाम नहीं बताया। ये भारती सिंह की फेवरेट रेसिपी है क्योंकि आपको मालूम है मैं भारती सिंह की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, उनके सारे ब्लॉग देखती हूँ और उनके ब्लॉग में बहुत दिनों से एक रेसिपी का लगातार नाम लिया जा रहा है, पखाल भात, जो कि उड़ीसा की रेसिपी है। Oh my God! Wow! और ये गर्मियों में ज्यादा खाई जाती है क्योंकि ये हमारे पेट को ठंडक देती है। ये बढ़िया था गुरु। तो आज मैं पहली बार पखाल भात बनाने वाली हूँ। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? प्रॉपर ऑथेंटिक तरीका तो मुझे नहीं मालूम, बस जो यूट्यूब से देखा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ नमक डालकर जो चावल हमने उबाले थे वो हो गए हैं ठंडे। अब हम इसमें क्या डालेंगे, दही। और इसमें है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको गाढ़ा दही चाहिए, अगर आपके पास पतला दही है तो भी आप डाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जामुन रख लूँगी और बाकी दही इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिलाएंगे हम अच्छे से। अब मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी कि ये चावल कैसे बनेंगे, लेकिन मैंने उनकी रेसिपी देखी है यूट्यूब से और उनके ब्लॉग में बहुत ज़्यादा सुना था और पतिदेव मेरे जो पति परमेश्वर है उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मैं ये रेसिपी ट्राई करूं। तो चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिला करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम प्याज काट लेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे एक स्लाइस किया हुआ प्याज। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन प्याज भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं प्याज खाते हो तो आपको लू नहीं लगती। तो जी, यहाँ पर मैंने लिया है एक तड़का पैन जिसमें मैंने डाला है तेल। और जैसे मैंने YouTube पे देखा ना पखाल भात, उसमें तो किसी ने गार्लिक नहीं डाला था जो तड़के में, लेकिन मुझे गार्लिक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, यानी कि लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें डालूंगी लहसुन और इसी के साथ एक सूखी हुई लाल मिर्च जिसको हम टुकड़ों टुकड़ों में करके डाल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तेल ज़्यादा गर्म क्यों नहीं किया, अभी तेल गर्म होगा, वरना क्या होता है ना, ये जो तेल है ना गर्म होता है फटाफट लहसुन जल जाता है, मिर्ची जल जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा जला हुआ टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने लहसुन डाल दिया है और इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ते। और ये जो कड़ी पत्ते हैं ना, ये तेल गर्म होता है डालते ना तो हमारा जो कड़ी पत्ता उछल के बाहर आ जाता है। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी हरी मिर्च। आप ध्यान रखिएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगा, सूखी हुई मिर्ची, सूखी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्च बस। अभी हम इसे अच्छे से पका के तड़के को चावल के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ हमारा तड़का हो गया है तैयार। अब ये जो तड़का है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इस पे हम डालेंगे फ्रेश फ्रेश पुदीना। अगर आपके पास पुदीना है तो जरूर डालिएगा, नहीं है तो खाली हरा धनिया भी डाल सकते हैं। नहीं। और थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, फ्रेश पुदीना नहीं है ना तो आप सूखा हुआ पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस हमारा पखाल भात हो गया है तैयार। और जो मैंने YouTube पे देखा था ना, उन्होंने क्या किया था, दही के अंदर साथ में पानी भी मिलाया था, बहुत ज़्यादा पानी पानी कर दिया था। तो मैंने पूरी रेसिपी तो उनकी फॉलो नहीं की है, अपना थोड़ा तड़का लगा दिया है और हमारा पखाल भात हो गया है तैयार। अभी हम इसे मिक्स करेंगे और खा लेंगे।
और किसी को लू लगी हो तो आप उनको ये खाना दे सकते हैं। दही है ठंडा ठंडा, चावल, ये क्या बोलते हैं इसको, प्याज है, जिससे लू नहीं लगती और खाने में भी टेस्टी है, हेल्दी है, पेट को एकदम ठंडक देता है। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और फ्रिज में रख देंगे। और आप चाहो तो इसके साथ सूखे करेले की सब्जी खा सकते हो, सूखी भिंडी की सब्जी खा सकते हो, या फिर मैंने जो इंस्टेंट अचार बनाया था ना वो ले सकते हो, पापड़ ले सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। और आप ऐसे भी खा सकते हो इसको, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेंगे, जरूरत ही नहीं है आपको कोई भी चीज़ साथ में खाने की। तो जी खाना वाना खा के मैं हो गई हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। खाना खाते ही डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। मैंने सोचा था मस्त खाना खाऊंगी, मस्त थोड़ी देर टीवी देखूंगी, लेकिन मेरी क्या होम्योपैथी दवाई ख़त्म हो गई जो मैं सर्वाइकल के लिए लेती हूँ। और वैसे सर्वाइकल ठीक हो गया है, लेकिन मैं सोचूँ थोड़ा दिन और लगातार ले लूँ कि वापस ना हो इसलिए, और डॉक्टर जब तक मना ना करे तब तक। तो बस मेरी दवाई ख़त्म हो गई, खाना मैंने खा लिया है, बाकी जो भी काम करना था छोटा मोटा सब कर दिया। अब बस डॉक्टर के पास जाऊंगी और दवाई बना करके लाऊंगी। और बहुत अच्छा बना था पखाल भात, आप लोग जरूर खाइएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बहुत आसान रेसिपी है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, पेट को एकदम ठंडक देती है, बेस्ट रेसिपी है। तो आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने बनाई या नहीं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए पतिदेव का फोन आ जाए, फिर चलते हैं। तो जी अभी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, अब जाते ही फटाफट दवाई बनवानी है, डॉक्टर से मिलना नहीं है क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी दवाई सही चल रही है, बस दवाई बनवाऊंगी और फिर मैं निकलूंगी। और यहाँ पर मैंने बोला था वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो दवाइयाँ हमने ले ली है, अब बस हम जाएंगे घर की तरफ। और अंधेरा अभी हो गया है हल्का हल्का, पता नहीं कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा, हल्का हल्का दिन छिप गया है। तो चलिए घर पर जाके मिलती हूँ आपसे। चलिए जी घर पहुंच गए हैं और आते ही दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, गैस को कम कर दिया है, अब बस चेंज वेंज करेंगे और बनाऊंगी मैंगो शेक। और आपसे मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग के साथ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।